हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और हमारा है मनाली में नेक्स्ट डे, दूसरा दिन हमारा। तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं सीधा अटल, अटल टनल से होते हुए हम लोग जो शीशियों तक ही जाएंगे और शीशियों से फिर वापस आएंगे। तो वहाँ पर भी बर्फ़ मिल जाएगी और मौसम भी, वहाँ पर हवा काफ़ी चल रही होगी। तो निकलते हैं यहाँ से। इस बार जो फ्लड आया था उसमें मनाली का काफ़ी नुकसान हुआ, तो आप देख ही सकते हैं ये जगह है ना, ये सारे फ्लड की वजह से हो गए हैं। उस वक्त सारा ढह गया था, ये सारा अभी भी ठीक नहीं हो पाया है। ये इधर साइड में सारा पानी आ चुका था, ये वहाँ पर है नदी, वहाँ से सारा आया था। रेंटल गाड़ी काफ़ी मिल रही है यहाँ पर, जगह जगह मिल जाएगी आपको। रेंट के कपड़े, रेंट के बाइक, ये सारी बाइकें देख रहे हो, ये सारी रेंट में है। यहाँ बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी आपको, रेंट में बाइक मिल जाएगी इधर। अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा अटल टनल की तरफ, वहाँ से शीशु, और सामने पहाड़ों में बर्फ नजर आ रही है एकदम नजदीक से ही। इस बार जो फ्लड आया था उसमें मनाली का काफ़ी नुकसान हुआ, तो आप देख ही सकते हैं ये जगह है ना, ये सारे फ्लड की वजह से हो गए हैं। उस वक्त सारा ढह गया था, ये सारा अभी भी ठीक नहीं हो पाया है। ये इधर साइड में सारा पानी आ चुका था, ये वहाँ पर है नदी, वहाँ से सारा आया था। भाई साहब, मैंने शीशा लगा लिया है, वरना तो इतनी ठंडी लग रही थी मुँह में। भाई साहब नीचे कर लिया फटाफट से। लोग मनाली आकर अटल टनल ना देखे और शिशु तक ना जाया तो हो ही नहीं सकता। लोग शिशु तक तो जाते ही जाते, उससे आगे जिनको जाना है वो भी जाते हैं। शिशु में भी रिहाइश मिली जाती है आपको आगे। एकदम ही दरवाजा खोला उसने, मुंह से गाली निकलनी थी। अब थोड़ा सा ही रह गया सोलंग वैली, और यहाँ पर आपको याक देखने को मिल रहे हैं ना, कितने सारे याक है यहाँ पे, बैस वगैरह, मतलब सोलंग वैली आ गया समझो। बर्फ में जाने के
सारे किराए में मिलते हैं। अटल टनल रोहतांग, अभी यहाँ से अंदर चलते टनल की तरफ। ये सामने आ गया टनल। बर्फ दिखनी शुरू हो जाएगी आप लोगों को। देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी बर्फ कई जगह गिरी हुई है यहाँ पे, और पाला जमा होगा तो दिक्कत होगी, बड़े प्यार से जाना पड़ेगा यहाँ पर, ज्यादा पाले में दौड़ाना नहीं है, थोड़ा साफ सुथरी रोड पकड़ के जाना पड़ेगा। ये देखो कितना व्हाइट हो रहा है, देख रहे हैं नीचे। आगे कितना फोटो यहाँ पे, अभी टनल जैसे जैसे पार करने के नजदीक आए ना, एकदम कोल्ड स्टोरेज जैसा लग रहा था, जैसे कोल्ड स्टोरेज से निकल रहे हो। गाड़ी वाले तो ठीक है, पर बाइक वालों को ठंडी लगी होगी अच्छी, हमें तो पूरा कवर कर रखा है फिर भी। ये देखो पूरा व्हाइट चादर से ढका हुआ, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर एक जगह ऐसे जहाँ से पानी गिरते हैं ना, वाटरफॉल वो जमा हुआ मिलेगा, वहां पे भी फोटो खिंचाई थी हमने। प्लान करने के लिए खड़े हैं यहाँ पे सारे। लाहौल के अंदर और यहाँ से सीधा हेलीपैड की तरफ जाने के लिए देखते हैं क्या होता है। बर्फ होगी तो बाइक लेके नहीं जाऊंगा नीचे में।
पर इशू। पिछली बार यहाँ पर खड़ी की थी हमने गाड़ी, ये हेलीपैड में आ गए हम लोग, ये हेलीपैड सारा ढक दिया है, जब जरूरत पड़ती है तभी खुलती है। लो भैया लाहौल का हेलीपैड, शिशु का हेलीपैड जो है, ये देखो ये है हेलीपैड, एक ये एक उधर। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम शिशु हेलीपैड, लाहौल पड़ता है ये पूरा, और ये देख रहे हैं सामने पहाड़ियाँ आपका, ये हेलीपैड के अंदर में आपको खाने पीने का सारा काफ़ी कुछ मिल जाता है इधर, और यहीं पर आप लोग का बाथरूम भी बना हुआ सामने, वो बाथरूम बना हुआ उधर, और पहाड़ियाँ सारी ढकी हुई है, यहाँ पर कम है यहाँ पर ज़्यादा है बर्फ़, देख रहे हैं ना इस साइड पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, और इस टाइम ऐसा है कि उंगलियाँ एकदम सुन पड़ी हुई है, अच्छे से काम भी नहीं कर रही है, ठंड के मारे बोलते हुए सांस फूल रही है। गाड़ी से आया था तब आप लोगों ने देखा होगा, मैं उधर मैंने गाड़ी खड़ी करी थी और वहीं हमने किचन विचन भी किया था, और आज है बाइक से तो मैं किचन का सामान लेके नहीं आया हूँ, देख सकते हैं ये, और इस टाइम थोड़ा लड़खड़ा रहा हूँ इसलिए माफ़ी चाहूँगा, ठंड की वजह से थोड़ा मुँह भी ठंडा हो गया था, हाथ भी ठंडे सारा ठंडा पड़ गया था टनल से आते हुए, अभी यहाँ धूप आ रही है अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े हुए, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। और ये मैंने बार बार बताया कि जैसे कि ये शिशु का हेलीपैड है, ये जो लाहौल में या जो है लाहौल में पड़ता है ये, देखो लोग जीप लाइन से वहाँ जा जा के बर्फ़ में बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पानी में, यहाँ क्या बोलते हैं नाम ही दिमाग से निकल गया, मोटर जो है बर्फ़ में घुमाने के लिए है, पर यहाँ बर्फ़ है ही नहीं तो कहाँ से उधर ले जाना मुश्किल है, यहीं पर ही घुमाएंगे फिर लोग। बेटी को बर्फ़ में फ़ोटो खिंचानी है भाई, वो ऊपर शिशु कॉलोनी जो है लाहौल की कॉलोनी पूरी पसी हुई है उधर, देख सकते हो ऊपर रिहाइश भी ऊपर ही मिल जाती है, होटल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको ऊपर। ये ब्लैक आइस में मत चलना भाई, गिरोगे, ब्लैक आइस में मत चलो, गिरोगे ऐसे था वहां पर आइस में ही जाएंगे ये लोग। तो हम भी आ गए यहाँ पर फोटोग्राफी करने के लिए बर्फ के ऊपर, चलो भाई चाय तो पिला दे यार, यहाँ आ गए हैं फोटोग्राफी करने से पहले एक एक चाय पी लेते हैं, फिर करते हैं फोटोग्राफी अपनी भी। वहाँ पर फ्रोज ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर तो बिल्कुल बैठ गए हैं सारे, क्योंकि यहाँ पर ये व्हीकल्स वगैरह भी चलते हैं, यहाँ पर लोगों की तादाद भी ज़्यादा आती है, तो बर्फ़ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, गंदा लग रहा है, तो वहाँ अभी वाइट भी है बर्फ़ और बढ़िया भी लग रहा है देखने में, जमा हुआ है ये पानी देख रहे हो, यहाँ बस स्लिप हो सकते हैं, इधर थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा, ये ये देखो इसके नीचे पानी, कैसे तोड़ूं, नहीं टूट रहा, ये टूट गया, बर्फ जम गई है सारी, ये देख रहा पूरा बर्फ जमा हुआ है यहाँ पर, और उधर बोट खड़ी है सामने, ये देखो पूरा जमा हुआ है ये पानी, छोटे से तालाब में मैं आया हूँ, यहाँ पर जो पानी जमा हो पड़ा है पूरा बर्फ़ हो गया हुआ है यहाँ पे,
ये सारा का सारा जमा पड़ा हुआ है यहाँ पर, बोटिंग वगैरह होती है, पर ये पानी देख रहा हो ना, पूरा बर्फ़ जमा हुआ है, सारा लेक पूरा पानी भरा हुआ है, ये जो है तालाब जो है। अब इससे ही सोच सकते हो कितना टेम्परेचर होगा यहाँ का जब तालाब ही सारा सूख जाए, पूरा बर्फ़ हो जाए एकदम। अभी इस तालाब के किनारे किनारे चला हुआ हूँ मैं, देख रहे हो सारी जगह लोगों ने पत्थर मार मार के भी चेक कर रहे थे, इसमें सारे पत्थर भी जम गए इसी बर्फ़ के अंदर ही, पूरा तालाब ही सूखा हुआ है, सूखा मीन्स बर्फ़ हो चुका ही है। बोट्स ऐसे ही पड़े हुए हैं जब से ये जम गया, इसमें पैडल बोट्स भी हैं, ये देखो कितने 5, 6, 7, 8, 8, 9, एक उधर 10, 11, काफ़ी बोट्स हैं ऐसे ही पड़े हुए अभी, अब जमे हुए बर्फ में तो कहाँ से चलाएंगे, सारे ही ऐसे ही। ये देखो सामने लिखा हुआ शिशु लेक, ये शिशु लेक। हाँ हमें काफ़ी घंटे हो चुके हैं यहाँ पर, अब ये निकलना ही ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, तो यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं अगर टनल के पास में जो बर्फ है वहाँ भी जा सकें तो निकलना ही ठीक रहेगा अभी यहाँ से लाहौल से, तो फिर निकलते हैं शीशु से भी। तो ऊपर से आ रहा है ये वाटरफॉल, देखो ऊपर से जमते हुए आया था एकदम, अच्छा खासा जमा हुआ था सवेरे जब हम आए थे, और लाहौल से वापस आते आते पूरा पिघल गया ये, तो यहाँ से भी निकलने तैयारी, फिर यहाँ से निकलते हैं आगे। और अभी मेरे बैग में फ़ोटो खिंचाने में लगे हुए लोग, कितना टॉप से आ रहा पानी है, पूरा टॉप से आ रहा अभी, चलो तो अपने बाइक में फ़ोटो खींच रहे हैं, तो निकलते हैं थोड़ी देर में। तो हम लोग अटल टनल के पास पहुंच ही चुके हैं, और देख रहे हो कितनी ट्रैफिक जाम हो गई है यहाँ पर, एक तो रोड ये टूट गया था ना इसलिए छोटा हो गया रोड, पूरा सारा ढह गया था, अभी तक ठीक नहीं हो पाया ये रोड, तो अभी रोड छोटी होने की वजह से थोड़ा यहाँ पर दिक्कत होती है, बाकी तो सब ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं अटल टनल से बाहर, और ये लिखा हुआ थैंक्स एंड विजिट अगेन, बस यहाँ बाहर होकर थोड़ी सी फोटोग्राफी कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी धूप अच्छी खिल गई, तो हम लोग अटल टनल पार हो चुके हैं, और यहाँ थोड़ी देर से फोटोग्राफी वगैरह भी कर रहे थे, तो बस वीडियो को भी एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।